दक्षिण भारत का तमिलनाडु राज्य, जिसे मंदिरों की नगरी भी कहते हैं, जहां लगभग 40,000 से ज़्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, जिसमें से कई मंदिर तो लगभग 2000 साल पुराने हैं। इन्हीं मंदिरों में शामिल है 156 एकड़ में फैला दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, जहां पूजे जाते हैं भगवान विष्णु के अवतार भगवान रंगनाथ स्वामी जी। तमिलनाडु के श्री रंगनाथ डिस्ट्रिक्ट में बसा या स्थित यह भव्य और खूबसूरत मंदिर, जिसका नाम है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल या मंदिर, जो अपनी भव्यता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विशाल और प्रसिद्ध मंदिर के बारे में जानेंगे। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर है। आपको शायद विश्वास ना हो, पर यह मंदिर यूरोपियन देश वेटिकन सिटी से भी बड़ा है। जी हाँ, लगभग 110 एकड़ में बसा यह देश एरिया के हिसाब से रंगनाथ स्वामी मंदिर से भी छोटा है। अगर आप इस मंदिर के पूरे कॉरिडोर का एक चक्कर लगाने की सोच रहे हैं, तो आपको इस मंदिर में लगभग 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा चलना पड़ सकता है, यानी कि लगभग 12,000 से 13,000 स्टेप, जो आपको थकाने के लिए कम तो बिल्कुल नहीं है। पर हाँ, अगर आप एक बेहतरीन फिटनेस स्ट्रिक हैं, तो ये दूरी आपके लिए बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, है ना? चलिए इस विशाल और खूबसूरत मंदिर के बारे में और जानते हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में 7 कॉन्सेंट्रिक इंक्लोजर्स हैं या संकेंद्रित दीवार हैं, जिसमें से आखिरी वाला यानी 7वां, जो 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है। इसके साथ इसके अंदर के 5 इंक्लोजर्स में सारे मंदिर हैं, बाकी के 2 इंक्लोजर्स में लगभग एक छोटा सा शहर बसा हुआ है। कुल मिला जुलाकर इस मंदिर का पूरा कॉरिडोर अपने आप में एक छोटा सा शहर है। इस मंदिर में कुल 21 गोपुरा हैं, जिसे दक्षिण भारत में प्रवेश का द्वार कहा जाता है, जो रबेडियन स्टाइल में बनाए गए हैं। और यह है गोपुरा का राजा गोपुरा, जो 236 फीट ऊंचा यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर का गुंबद या टेंपल टावर है। इसके साथ राजा गोपुरा की एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि ये गोपुरा दिल्ली के इंडिया गेट से लगभग 100 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा है। आपको पता है, जब से ये मंदिर बना है तब से आज तक हर वक्त नई नई बिल्डिंग का स्थापना होती आ रही है, जो आज तक कहीं नहीं देखा गया है। इसके साथ इस मंदिर की एक और ख़ास बात है कि इस मंदिर के अलग अलग हिस्से को विभिन्न साम्राज्यों के दौरान बनाए गए हैं। जैसे जिस मंदिर को हम आज देख रहे हैं, उसे सबसे पहले चोला साम्राज्य, दूसरा पांडे साम्राज्य, तीसरा होयसाला साम्राज्य और चौथा और आखिरी विजयनगर साम्राज्य शामिल हैं, जिनके द्वारा किए गए अनेकों बदलावों की झलक इस मंदिर में देखने को मिलती है। इसके साथ इस मंदिर की एक और ख़ास बात है, जो इस मंदिर की खूबसूरती भी है, कि इस मंदिर में आपको हर काल की कोई एक बिल्डिंग देखने को मिलेगी इस मंदिर की बाउंड्री के अंदर। इसके अलावा इस मंदिर को खास बनाता है यहाँ पर चलने वाला 21 दिनों का त्यौहार वैकुंठ एकादशी, जिसमें लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा लोग शामिल होते हैं। लेकिन इस विशाल और खूबसूरत मंदिर की खूबियाँ यहीं ख़त्म नहीं होती हैं। इस मंदिर में आपको सैकड़ों मूर्तियाँ और दीवारों पर प्राकृतिक तरीके से बनी खूबसूरत पेंटिंग और तमिल में लिखे गए करीब 800 से भी इंस्क्रिप्शन, जो हमारे बीते वक्त में होने वाली कई घटनाओं की कहानी बताती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ हर काल के शिलालेख देखने को मिल जाएंगे, जो हमारे प्राचीन भारत के इतिहास और कला का प्रतीक हैं, जो हमारी संस्कृति, वेशभूषा, समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। इसके साथ भगवान विष्णु के 108 अलग अलग रूपों को दर्शाती मूर्तियाँ, 49 मंडप, जो इस मंदिर के अट्रैक्शन के केंद्र भी हैं। वाकई ये मंदिर अपने आप में एक अजूबा है, जो दुनिया को बताता है कि हमारा प्राचीन भारत कितना उन्नत और एडवांस और समृद्ध था।
जिसकी गौरव गाथा पूरी दुनिया गाती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।